हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी। माय नेम इज़ भारत। होप करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी अलग होगा और डेज के टॉपिक से, क्योंकि आज हम किसी पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो हम लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए निकलती रहती हैं हर साल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप सभी को ऐसी पांच गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस टाइम पर अवेलेबल हैं, और इसमें लाइफ साइंस स्टूडेंट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी से हों, बायोटेक से हों, या फिर जूलॉजी बोटनी किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हों लाइफ साइंस से। तो आज हम इसी वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में, और इसकी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में, एंड जो हमारा एज लिमिट होगा इन जॉब्स के रिगार्डिंग उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट एंड सैलरी सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है NCCS के थ्रू। तो आप लोग सोच रहे होंगे NCCS क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस। जो हमारा NCCS है ये क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस। ये हमारा पुणे में स्थित है और ये गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसमें क्या वर्क होता है, जो हमारा सेल वगैरह होता है उस पर रिसर्च करी जाती है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जॉब निकली हुई है इस टाइम पे, तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें MSc, MTech एंड PhD बायोटेक्नोलॉजी वाले, इन्फॉर्मेटिक्स वाले, बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंस वाला कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस में जाकर, आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी पैकेज होगा वो आपका 75,000 से लेकर अप्रोक्स 1 लाख के आसपास होगा। तो चलिए अब सेकंड जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, वो निकली हुई है गवर्नमेंट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइफ साइंस के रिगार्डिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी लाइफ साइंस का स्टूडेंट, जैसे जूलॉजी, बोटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब्स में होता क्या है, आप जानते होंगे काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा कि फिंगरप्रिंट मैच करके DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ये सभी चीज़ें। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे लाइफ साइंस स्टूडेंट के स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं लाइफ साइंस स्ट्रीम के, तो उनके लिए जॉब वैकेंसी होती है। इसमें वर्क क्या होता है, हमें वर्क करना होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग पर, PCR पर, तो लैब का वर्क होता है रिसर्च लैब में। तो ये गवर्नमेंट ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से जॉब निकली हुई है। इसमें हमारे बायोकेमिस्ट्री और बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और बायोटेक वाले भी। अब जो हमारी थर्ड जॉब वैकेंसी है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारी जॉब वैकेंसी निकली हुई है DRDO के थ्रू। DRDO हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसमें हमारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई है गवर्नमेंट बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, ओवरऑल लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, 4 वैकेंसीज हैं इस टाइम पर। और जो हमारा फोर्थ जॉब वैकेंसी के लिए हम बात करने वाले हैं वो है CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बायोटेक रिसर्च। तो ये CCRAS है क्या, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस। आप जानते होंगे आज की डेट में आयुर्वेदिक साइंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल रहा है अपने इंडिया से, तो गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस। तो इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकल रखी हैं लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारी फिफ्थ वैकेंसी है, ये हाल फिलहाल में इसकी जॉब वैकेंसीज निकलने वाली हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो इसलिए क्या है, NCDS के थ्रू निकली हुई है, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। तो इसके बारे में हम बात करें तो इसमें लैब टेक्नीशियन की, डाटा मैनेजर की, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की जॉब वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो बात करते हैं जॉब वैकेंसीज के बारे में, तो इसके अंदर जो हमारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 10, और जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका दिल्ली होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल हमारा दिल्ली के अंदर है। इसमें जो एज लिमिट है वो 36 ईयर है, यानी 36 ईयर से ज़्यादा एज वाला कोई भी बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो 12th होना चाहिए, या फिर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए DMLT का, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका अप्लाई करने का सीधा सा प्रोसेस है ऑनलाइन,
और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इसमें जो आपका सैलरी आपको मिलेगी वो 32,000 से लेके और 40,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जर्नल और OBC के लिए जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 रुपये है, और जो अदर बैकवर्ड कास्ट होती हैं उनके लिए 100 रुपये हमारी एग्ज़ाम फ़ीस है। उसके बाद बात करें तो ये एग्ज़ाम 27 तारीख से, मतलब इसकी जॉब वैकेंसीज निकल जाएंगी इसी 27 तारीख से, 27 जून से, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वो 13 तारीख होगी, 13 जुलाई। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए, और काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसीज हैं। होता क्या है, देखो आप सोच रहे होगे 10 वैकेंसीज हैं, इसमें हमारा नंबर कहाँ से आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये ऐसी जॉब वैकेंसीज होती हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाता है। जॉब वैकेंसी निकली बहुत ही कम लोगों को पता चलता है। तो आप अगर एलिजिबल होंगे, अगर आपके पास नॉलेज होगा, तो आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन चेक करके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।